हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं 24 सितंबर शिप 2 के टॉप 10 इजी एमसीक्यूज। तो फ्रेंड्स, पीडीएफ्स मैंने डाल दिए हैं पीजीएम ऐप पे, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला सवाल। अपने को टाइम पास नहीं करना है, अभी एग्ज़ाम के दिन है। हंसी मजाक तो बहुत किया अपन ने साल भर, अब हंसी मजाक ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 7 आर मूव क्लोजर टुगेदर अंटिल दे आर हाफ देयर ओरिजिनल सेपरेशन। देखो, कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं, आपको पता है, आपने सिंबल यूज किया होगा ऐसा। तो पहले जो डिस्टेंस मान लो डी है, डी था, अब उन्हें क्लोज किया तो डी बाई टू हो गया। अब डिस्टेंस कितना हो गया उनके बीच का, डी बाई टू। द न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा, सी टू। देखो यार, कैपेसिटेंस क्या होता है, ए एप्सिलॉन बाय डी। अपने को डी से मतलब है, इनवर्स रिलेशन है। तो भाई सी टू बाई सी वन इक्वल्स टू इनवर्स है तो ये डी वन बाई डी टू इस तरह से आएगा। ये डी माना था अपन ने, ये क्या था, क्या था, डी बाई टू, तो ऊपर जाएगा टू, तो ट्वाइस ऑफ सी वन हो जाएगा फ्रेंड्स अपना। सी टू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी वन आ जाएगा, सी टू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी वन अपना आ जाएगा। और पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिस्टम ऑफ एम्पलीट्यूड हैज डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। देखो, एम्पलीट्यूड दिया अपने को, डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है अपने को। तो भाई तीन एक्स अपन ने देखा है, ए ओमेगा होता है, अपने पास एम्पलीट्यूड है, ओमेगा नहीं है। तो ओमेगा को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो अपने काम आ गया, लेकिन ओमेगा नहीं है। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है अपने पास, तो इसको इक्वेशन वन मान लेता हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। अपन देखा तो यहाँ पर अपने को, अपने पास डिस्प्लेसमेंट तो एक्स ओमेगा स्क्वायर, ए इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, आपने देखा होगा आर ओमेगा, क्या सही जा रहा हूँ मैं, हाँ सही होगा। तो ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा अपना, ए बाय एक्स आ जाएगा। तो ए कितना है फ्रेंड्स अपना, व्हाट इज ए, एक्सेलरेशन कितना है 0.5 बाय एक्स कितना है 0.02, सिंपल। अब ओमेगा कितना आएगा, रूट में दे देते हैं अपन इसको, 0.5 बाय 0.02। तो ये 2 × 10⁻², ऊपर जाके ये 50/2 यानी कि 25, यानी कि 5 आ जाएगा फ्रेंड्स, सिंपल। तो इसको फुट कर देते अपन, वी मैक्स इक्वल्स टू ए कितना है अपना 0.1 × 5, तो कितना आएगा 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 दिख रहा अपने को बी, इजी सिंपल था, या कन्फ्यूज मत होना भाई। 2 × 10⁻²² लिख सकता हूँ, 5 × 10⁻¹ लिख सकता हूँ, ऊपर जाके 50 हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा, तो 25 रूट में, तो 5 आ जाएगा। यहाँ ये रो है फ्रेंड्स, गलती से हो गया, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है अपना, रो होता है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी और लैम्ब्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें ना, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε₀Q/r²। अपने को यहाँ क्या दिख रहा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिख रहा है फॉर्मूले में। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे, तो इसको इक्वेशन वन मान लो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, स्पेयर है ना अपने पास, तो 4/3πr³ होगा, सिंपल। अपने पास फॉर्मूले में चार्ज है, तो चार्ज इक्वल्स टू क्या आएगा, रो इंटू 4/3πr³। अब यहाँ इसको पुट कर दो भाई, इक्वल्स टू 1/4πε₀r² क्यू क्या है अपना, रो 4/3πr³, क्या बचेगा अपना, रो बाय 3ε₀, 3 बाकी सब कैंसिल हो रहा है, r ऊपर बचा है r, ठीक है, रो बाय 3ε₀ r बच रहा है ऊपर, r शायद मैं लिखना भूल गया, सॉरी r बचेगा यहाँ ऊपर, बचेगा नीचे नहीं बचेगा, 3 बचा है नीचे, 3 कहाँ यहाँ है, यहाँ r लगाना भूल गया, इतना मिस्टेक हो गया भाई, ठीक है, बाकी सब कट रहा है, रो बचा है ऊपर, एप्सिलॉन बचा है, 3 बचा है,
पाई पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर आर ऊपर आर बचेगा, तो बी अपना सही हुआ। स्टेप ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स ऑन 220 वोल्ट एंड सप्लाईज करंट, ये सप्लाई करंट है। द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, तो वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी ना, एन पी बाई एन एस कितना है अपना 120 है। करंट इन द प्राइमरी, तो करंट इनका रेसिप्रोकल होता है, तो आई एस बाय आई पी, आई एस आपने को 2 दिया है, तो ये 1/20 इक्वल्स टू आई एस कितना है 2/IP, आपने को आई पी चाहिए कितना आएगा, आई पी इक्वल्स टू 40 आ जाएगा, समझ गए। यहाँ और क्या लगेगा, वी एस बाय वी पी, लेकिन आपने को होल्ड से लेना देना नहीं है ज़्यादा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई भी रिलेशन लगा सकते हो आप, चाहे होल्ड का लगा लो चाहे टन का, टन का काम आएगा क्योंकि दोनों वैल्यू है, अपने पास होल्ड का बस एक वैल्यू है। हाँ, इसमें अपन प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज निकाल सकते हैं, ये दोनों सप्लाई यानी कि सेकेंडरी, समझ लेना। अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप डज नॉट डिपेंड अपॉन, देखो लूप के लिए टॉर्क क्या होता है, एन आई ए बी साइन थीटा, तो नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, एरिया दिख रहा है इस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, लेकिन शेप, शेप का कोई बात नहीं है, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो अपना ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, शेप पे डिपेंड नहीं करता है टॉर्क, एन आई ए बी साइन थीटा। रट लो भाई, लेट ए बी सी बी द थ्री पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या होता है रिलेशन, माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो इधर क्या अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो माइनस रिलेशन है, तो भाई यहाँ ज़्यादा होगा बी पे, मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम एट पॉइंट बी, समझ गए। फॉर द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट टू बी वन, अपने को यहाँ आउटपुट वन चाहिए फ्रेंड्स, ओके, तो इनपुट अपने क्या होंगे ताकि अपने को आउटपुट वन मिले, भाई ये कौन सा गेट है, और गेट है, और ये नॉट गेट है, और प्लस नॉट नॉर गेट बनाते हैं, ये और गेट है, ये नॉट गेट है, ये क्या बनाएंगे, नॉर गेट बनाएंगे दोनों मिलके, सिंपल। तो नॉर गेट कैसा आएगा अपना, इस तरह, तो यहां एक जीरो लगा दो टिंबक, ये अपने दो इनपुट हो गए, अब अपने को क्या चाहिए भाई, आउटपुट वन चाहिए, वाई इक्वल्स टू अपने को वन चाहिए। देखो और गेट में मैंने आपको बताया था कि और दोघ ही वन पाहिजे किंवा एक वन असलं तरी चालेल, दोघही वन पाहिजे ओर गेटमध्ये, तर नोर गेटमध्ये काय पाहिजे, दोन झिरो पाहिजे आपल्याला, बरोबर की नाही, ह्या दो झिरो होंगे तब ये वन देगा, नोर गेट में दो नो इनपुट झिरो चाहिए अपने को, लेकिन इस केस और के केस में क्या होता है कि दोनों वन रहे तो भी चलता है, किंवा नहीं तो एक वन रहा तो भी चलता है, लेकिन इसको दोनों झिरो चाहिए, समझ गए। तो दोनों जीरो कहाँ है, यहाँ है। इन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, देखो यार ये सवाल रिपीट हुआ है पिछले वीडियो में भी ले चुका हूँ, मतलब शीट में इजी सवाल रिपीट होते हैं। इन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड एक्साइटिंग पोटेंशियल फिक्स, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इंटेंसिटी और फोटोइलेक्ट्रिक करंट कभी भूलना नहीं, इंटेंसिटी बढ़ा तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ा तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ा, सिंपल। हाँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं, फ्रीक्वेंसी फिक्स था तो उसके लिए आप याद रख लो, फ्रीक्वेंसी पे असर नहीं होता है। अ बॉडी अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग परफॉर्म मोशन अलोंग अ वर्टिकल सर्कल, इट्स सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है स्ट्रिंग, सेंट्रीपेटल ना, ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अपना होता है। अब मिडल में है तो वी इक्वल्स टू रूट थ्री आर जी होता है कि नहीं, मिडल में अपना ये वेलोसिटी होता है सर्कुलर मोशन में, तो क्या आएगा, ये 3rg आ जाएगा बाय r, तो ये कितना आएगा 3g, बॉटम में रूट 5rg, ऊपर रूट rg, तो अब आपको बस यहाँ मिडल दिया है अपने को, कभी कभी टॉप दे देगा, कभी कभी बॉटम दे देगा इस सवाल में, एक सवाल में तीन सवाल ढूंढो, सिंपल। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन वन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ एन टू मोल्स ऑफ हेलियम, देखो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है,
एन एफ बाई टू आर टी, या फिर एक मोल के लिए एफ बाई टू आर टी, एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हाइड्रोजन और हीलियम का दोनों का इक्वल है, हम लोग को एन वन इज टू एन टू निकालना है, तो हाइड्रोजन का इसके लिए एन वन, उसका एन टू, तो यू वन इक्वल्स टू यू टू आपने को दिया है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा, हाइड्रोजन इज डायटोमिक मॉलिक्यूल, एच टू होता है, एच एग्जिस्ट नहीं करता है, एच टू होता है डायटोमिक, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, पाँच होता है, वो कि दिया है अपने को, चलो ये कितना आएगा फिर, एन वन एफ वन बाय टू आर टी इक्वल्स टू एन टू एफ टू बाय टू आर टी, आर टी आर टी कैंसिल हो रहा है, हाँ ये कितना आएगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, पाँच बाय टू, ओके ये एन टू, ये मोनोटॉमिक होता है हीलियम, तो मोनोटॉमिक के लिए थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, थ्री दिया है तो ये थ्री बाई टू, टू टू कैंसिल, एन वन बाई एन टू ढूंढना है, तो एन वन बाई एन टू कितना आएगा अपने को, थ्री बाई फाइव, तो ये डी अपना करेक्ट आंसर हुआ फ्रेंड्स, हो गए दस, हाँ दस हो गए फ्रेंड्स, तो भाई ये दस सवाल इजी हो चुके हैं और पीडीएफ मैंने अपलोड भी कर दिए हैं, और अगले लेक्चर में भी अच्छे सवाल लूँगा, पूरे 100, 110, 120 कराऊंगा फ्रेंड्स, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।